नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर अलाबादी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिसेज निर्मला सीतारमन ने अपने सेकंड राउंड में या ट्रांच में हम कह सकते हैं क्या क्या स्टिमुलस पैकेज ऑफर किया है। और ये ऑफर जो किया है पैकेज फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप दोनों को ध्यान में रखते हुए किया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा है अपने इस पैकेज में। सबसे पहला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। क्रेडिट लिंक्ड सेविंग स्कीम जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आ रही थी और जो कि ओवर होने वाली थी 31 मार्च 2020 को, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिन भी फैमिलीज के अभी अपना कोई भी घर नहीं है और रेंट पे रह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना एक फ्लैट बुक करा सकते हैं और उस फ्लैट को बुक कराने के लिए उनको सब्सिडी मिल सकती है जो भी वो उस पर लोन लेंगे। इसके लिए उन्होंने स्लैब्स डिस्क्राइब किए हैं फ्रेंड्स, 6 लाख से 12 लाख सालाना का पैकेज जिनका है और जिनका 12 लाख से लेकर 18 लाख का पैकेज है। जो भी 6 लाख से 12 लाख कैटेगरी में अंदर लाए करते हैं उनके लिए क्या है, 4% की सब्सिडी दी गई है और जो 12 से 18 के अंदर लाए करते हैं उनके लिए 3% की सब्सिडी दी गई है। और इसके अंतर्गत जो इक्विवेलेंट अमाउंट की छूट दी गई है वो है जो 4% के हैं उनके लिए दी गई है 2,35,000 रुपये, यानी कि जो 6 लाख से 12 लाख के अंदर लाए करते हैं उनको 2,35,000 रुपये की छूट दी जाएगी और जो 12 से 18 के बीच में लाए करते हैं उनको 2,30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। ये मैक्सिमम अमाउंट है फ्रेंड। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इस स्टेप से 2.5 लाख फैमिलीज को और फ़ायदा मिलेगा और वो अपना घर बना लेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा माइग्रेंट लेबर्स के लिए और अर्बन पुअर के लिए। इस स्टेप में गवर्नमेंट ने बहुत ही अमेजिंग एक स्कीम निकाली है जो कि वो लॉन्च करने वाले हैं और इस स्कीम का नाम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम या अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये भी फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आएगी स्कीम और इसके अंतर्गत जितने भी लेबरर्स हैं वो अफोर्डेबल रेंट दे के पक्के घरों में रह सकती हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने फ्रेंड, जितनी भी उनकी अर्बन सोसाइटीज़ हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो वो डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, उसको वो कन्वर्ट करेंगे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में थ्रू पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत आके। इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नमेंट उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस को भी इंसेंटिवाइज करेगी जो कि अपने प्राइवेट लैंड के ऊपर अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और उनको ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली इसके साथ साथ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है तो उसको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड थी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल प्रॉपर्टी माइंड को। थैंक यू सो मच।